शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाड़ी में शराब के ठेके पर शराब लेने आई युवती को नहीं मिली शराब। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की। जिले में धारा 144 भी लागू है। 50 दिन लॉकडाउन में गरीबों को अनाज मिलना मुश्किल हुआ। आज भी गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा। सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए। पहले दिन ही शराब की दुकानों पर लंबी कतारें लगी। शराब लेने आए की युवती शराब के दुकान पर पहुंची, लेकिन नगर परिषद कर्मचारी रमेश कोकाटे ने वाइन शॉप कर्मचारी युवती को शराब पीने की अनुमति पत्र मांगी तो नहीं दे सकी, तो कोकाटे ने तुरंत युवती को वाइन शॉप की दुकान के गेट से निकाल दिया। जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को वाड़ी के शराब के ठेके खुल गए। सुबह से ही शराब लेने लोगों की दुकानों पर भीड़ उमड़ी। शराब लेने के होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियां उड़ रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाया, लेकिन सरकार ने शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं दी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। सरकार ने राजस्व प्राप्त करने के लिए ठेके शुरू कर दिए, लेकिन अब शराब के साथ कोरोना संक्रमण घर आने का डर परिवारों के लोगों को लग रहा है। खास बात तो यह है कि शराब के लाइन में लोगों के पास शराब पीने की अनुमति नहीं है। ऐसे भी लोग दुकानों पे कतार में लगे हुए हैं। हालांकि दुकानदार इन्हें शराब नहीं दे रहे, लेकिन जिनके पास लाइसेंस है ऐसे लोगों के पास से बिना लाइसेंस वाले लोग शराब खरीद कर पी रहे हैं। शराब की दुकानों पर लोगों के टेम्परेचर की जांच व सैनिटाइजर कर शराब दी जा रही है। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि मॉल मार्केट बाजार के ठेके शुरू नहीं होंगे, लेकिन वाड़ी में जितने भी ठेके हैं वह मार्केट में ही है। यह कैसे शुरू कर दिए, यह सवाल भी अब नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। वाड़ी में कोरोना संक्रमण मुक्ति थी, लेकिन अब वाड़ी में शराब लेने के लिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जिससे संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है। वाड़ी में दुकान खुलने से नागपुर से भी लोग वाड़ी में शराब खरीदने आ रहे हैं। वाड़ी में संक्रमण नहीं है, लेकिन शराब की दुकानें खुलने से संक्रमण हो सकता है। वाड़ी में कोरोना पॉजिटिव मिला तो इसे जिलाधिकारी जिम्मेदार होने का आरोप नगर सेवक केशव बांद्रे आशीष नंदागौड़ी ने किया है। वाड़ी के वाइन शॉप मेन मार्केट में कैसे शुरू है? जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के मॉल मार्केट बाजार स्थित वाइन शॉप को बंद है, लेकिन वाड़ी स्थित वाइन शॉप मार्केट में ही खुलने की अनुमति कैसे दी गई है, यह भी सवाल उठ रहा है। इस पर स्थानिक नगर सेवकों ने भी आपत्ति जताई है। वाइन शॉप पर बंदी लाने की मांग हो रही है। नगर परिषद के कर्मचारी ने एक्साइज के अधिकारी को भीड़ न होने की जानकारी दी। तुरंत एक्साइज की पुलिस वाड़ी पहुंची। भीड़ को समझाया गया। कुछ देर के लिए वाइन शॉप की दुकानें बंद की गई है, फिर खोली गई। इस संदर्भ में एक्साइज के अधिकारी से बात करने पर बोलने से इनकार कर दिया। अब वाड़ी में भी ऑनलाइन या घर पहुंची शराब मिल सकेगी। परवाना दिखाओ मैम, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, परवाना दिखाइए प्लीज। आपको मैं नगर परिषद के वती से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास अगर परवाना होगा तो आप दिखाइए। आप कुछ भी लेने आओ, आपके पास परवाना है क्या? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप परवाना दिखाइए। नहीं नहीं मैडम, नहीं आपके पास परवाना है क्या? मैं आपको इन बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।